अरे ये क्या? नहीं नहीं प्लीज नहीं। ये कहाँ से? क्या हुआ? ओ ओ ये कौन है? क्या हुआ? मुझे नहीं पता। अरे अच्छा सुनो, रुक जाओ रुक जाओ, वो खतरनाक हो सकती है, हम इनसे पहचानते नहीं, ये कोई पागल भी तो हो सकती है, हमें पहले इसे घर से निकालना होगा। शांत हो जाओ जोई। हाय, तुम्हारा नाम क्या है? मुझे थोड़ा सा पानी दो। हेलो, तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें चोट लगी है? वो खतरनाक हो सकती है। मदद, वो मदद करो, वो मुसीबत में है, उसे चोट लगी है, क्या हमें पुलिस को बुलाना चाहिए? नहीं 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 नहीं, पुलिस नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे छोड़ो ना, ये एक नशेड़ी है, कहीं छोड़ देते हैं, क्या फर्क पड़ता है? हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते यहाँ। हम इसे बिल्कुल छोड़ने वाले हैं। नहीं, हम उसे घर ले जा रहे हैं। ओ नहीं 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 नहीं, हमारे घर बिल्कुल नहीं। क्या? इसे कहीं छोड़ देते हैं ना? नहीं जो, बैग्स लेकर आओ, हम उसे घर में ले जा रहे हैं। ये बुरा आइडिया है। सब ठीक है, तुम चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता मत करो, बिल्कुल भी सही नहीं कर रही हम हो। तुम्हें चोट नहीं पहुंचाने वाले हैं, सब ठीक है, सब ठीक है, चलो आओ, आ जाओ, बाहर आओ, कोई बात नहीं, सब ठीक है, आओ बाहर आओ, वेरी गुड गुड, तुम बिल्कुल ठीक हो, सब ठीक है, तुम बिल्कुल ठीक हो, इधर आओ, इस तरफ प्लीज, यहाँ बैठ जाओ। हे भगवान, तुम यहाँ आराम से बैठ सकती हो, ठीक है, तुम यहाँ बिल्कुल सुरक्षित हो, चिंता मत करो, ठीक है। ये लो, पकड़ो इसे, ये तुम्हें शांत करने में मदद करेगी, ठीक है, रो मत डियर। अरे ठीक है, गुड गर्ल, क्या तुम बता सकती हो क्या हुआ था? ठीक है, सब ठीक है, ओके, ठीक है ठीक है। चलो ऐसा करते हैं, एक बार मतलब हाँ, दो बार मतलब ना, ठीक है ठीक है, गुड। तो तुम हमारी डिक्की में छुपी हुई थी, क्या तुम किसी इंसान से छुप रही थी? क्या वो तुम्हारा कोई करीबी है? क्या वो तुम्हारा पति है? हे भगवान, क्या उसने तुम्हें चोट पहुंचाई? क्या तुम पार्किंग लॉट में उससे बचकर भागी? क्या वो तुम्हारी तलाश कर रहा है? क्या तुमने पुलिस से बात करने की कोशिश की? नहीं नहीं नहीं, रुको, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ तुम। क्या हम बात कर सकते हैं? ओके। तुम्हें पता है तुम किस झमेले में पड़ रही हो? तुम क्या कह रहे हो? वो लड़की, मुझे पता है कि वो मुसीबत में है, लेकिन वो खतरनाक हुई तो तब क्या? जो खतरनाक? एक लड़की जो डर के मारे दो शब्द नहीं कह पा रही है, तुम्हें लगता है वो खतरनाक है? तुम इस तरह से भी सोच सकती हो, लेकिन मुझे पता नहीं, एक बार इसके बारे में सोचो। हमारे घर में एक अजनबी है, वो हमें उल्लू भी तो बना सकते हैं, हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते, फिल्मों में नहीं देखा? एक लड़की आती है, साथ में प्रॉब्लम लाती है, किसी के घर जाके मर जाती है, वो लोग फंस जाते हैं। शांत हो जाओ, तुम कितनी बेकार बातें कर रहे हो। ठीक है, मान लिया कि तुम्हारी सारी बातें सच हैं। हाँ। तो अब हमें क्या करना चाहिए? मुझे नहीं पता, जहां से लाए थे वहां छोड़ देते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है, हम ऐसा नहीं कर सकते, वो बेचारी लड़की खुद का ध्यान कैसे रखेगी? क्योंकि रुको, रुको। वो क्या कर रही है? मुझे नहीं पता। ठीक है, तुम यहाँ रुको, मैं उससे बात करती हूँ, ठीक है, मैं एक लड़की हूँ, मैं उसे समझूंगी, ठीक है, रुको। भगवान, वो यहाँ आ चुका है, वो यहाँ आ चुका है। क्या हुआ? कोई बात नहीं, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम सुरक्षित हो,
कौन है यहाँ? यहाँ सिर्फ मैं हूँ, कोई नहीं है यहाँ। क्या बात है? अरे तुम कुछ करो, कुछ करो। फर्स्ट एड किट में कुछ नींद की दवाइयाँ है, वो कैबिनेट में है। यहाँ नहीं है। ऊपर देखो, वहाँ ऊपर। सब ठीक है, ऐसा मत करो। क्या कुछ नहीं है? कहाँ है वो? क्या मतलब है तुम्हारा कि वहाँ कुछ नहीं है? ठीक है, इसे टब से बाहर निकालने में मेरी मदद करो। वो यहाँ आ चुका है, प्लीज। वो यहाँ आ चुका है। अरे कहाँ गई? यही तो था। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, दवाइयाँ कहाँ गई? मुझे नहीं पता। ठीक है, मैं एम्बुलेंस बुला रही हूँ। नहीं 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 नहीं, एम्बुलेंस मत बुलाना। फार्मेसी चली जाओ, इसके लिए कुछ दवाइयाँ ले लो, और इसे शांत करने के लिए भी। ये बिल्कुल पागल है। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। मुझे लगा था कि वो कभी नहीं जाएगी। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? आखिर तुम यहाँ कर क्या रही हो? मैं बस यहाँ अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आई हूँ। याद किया मुझे? बॉयफ्रेंड? ये घर तक मेरा नहीं है, ये उसका घर है। अगर उसे पता चल गया तो? मेरा फोन कहाँ है? उसे हमारे बारे में पता चल गया तो हम दोनों मर जाएंगे, बुरी तरह फंस जाएंगे। समझ में आ रहा है? तुमने देखा मेरी फोन कहाँ है? तुम मेरी बात सुन भी रही हो? समझ में आ रहा है? कोई फैंसी ट्रिप्स नहीं, रेस्टोरेंट नहीं, और कोई शॉपिंग नहीं। हम बुरी तरह फंस जाएंगे। तुम कार में क्या कर रही थी? हनी, तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम कहाँ रहते हो, और मैंने तुम्हें पार्किंग लॉट में देखा और सोचा कि पता लगा लूं। तुम बिल्कुल पागल हो, बिल्कुल पागल हो तुम। और आखिर ये क्या है, तुम्हारे पति की कहानी? वो तो यूं ही कह दिया। बदलनी पड़ी। देखो ये अच्छा है ना? हाँ। ठीक है, बहुत ही गजब का परफॉर्मेंस था, बहुत खूब। तुमने मेरा अपार्टमेंट देख लिया, अच्छा। तुम्हें क्या चाहिए? बोलो बोलो, क्या प्लान है अब? नेक्स्ट अब नेक्स्ट। बेशक मैं यहाँ से जा सकती हूँ। यहाँ से परफेक्ट। उसके आने से पहले तुम यहाँ से चली जाओ। एकदम बेकार है। नहीं नहीं नहीं, कम ऑन। बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है। अब देखो हनी, मैंने देखा एक अमीर पत्नी और एक सुंदर सा छोटा घोंसला, और मैं खुशी खुशी तुम्हें यहाँ सब कुछ रखने दूंगी अगर तुम मुझे किसी तरह का इनाम दो इसका। तुम्हें पैसे चाहिए? बिल्कुल। मेरे ख्याल से 20 grand काफी होंगे। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। पता है, लेकिन तुम्हारी पत्नी के पास है। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें उसे पैसे देने के लिए क्यों कहूँ? हे भगवान, तुम पागल हो, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है। देखो कौन आ रही है, तुम्हारी खूबसूरत मेगन। और मेरा भरोसा करो हनी, ये एक छोटी सी कीमत है तुम्हारे लिए अपनी पत्नी की आंखों में वफादार बने रहने के लिए। मैंने इससे भी खराब सौदे किए हैं। चुप करो। कैसी हालत है इसकी? क्या हम बात कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। तो मैं सोच रहा था कि हमें जेस की मदद करनी चाहिए। जेस? हाँ, ये उसका नाम है। उसने शांत होने के बाद मुझे बताया। ओ, अच्छा। और हमें उसे उसके पति से भागने में उसकी मदद करनी चाहिए। भागने में? हाँ। अच्छा, मुझे लगता है तुमने उसके साथ बड़े अच्छे से बात की है। हाँ, कुछ देर पहले वो शांत हो गई और हम बात कर पाए।
तुम्हें पता है वो बहुत बहुत गरीब लड़की है, उसे हमारी मदद चाहिए। तो मैं सोच रहा था कि हमें उसे देश के बाहर रहने के लिए मदद करनी चाहिए। मुझे लगता है उसे हमें कुछ पैसे देने चाहिए, जैसे कि $20,000। देखो वो एक गरीब लड़की है, उसे हमारी मदद चाहिए। ठीक है, अच्छा ठीक है, लेकिन क्या तुम श्योर हो? मुझे लगता है कि उसने कहा था कि उसके पति की बहुत पहुंच है। क्या पैसों से उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी? पैसे रहने से सब तकलीफ खत्म हो जाती है। अच्छा हाँ ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी, सिर्फ मुझे एक सवाल का जवाब दे। हाँ, कुछ भी बोलो। तुम कितने वक्त से उसके साथ सो रहे हो जो? क्या? क्या क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? हाँ, और तुम्हारी कहानी क्या है? क्या? नहीं नहीं बेबी, ये सब बेकार की बातें हैं। ये बकवास तुम्हें किसने बताया? मुझे खुशी है तुमने ये पूछा। ये कौन है? ये है मेरे पति। हेलो हनी। हाँ, हमने सैम के साथ बड़े अच्छे से बात की और उसने मुझे बताया कि तुम में और जो में बहुत सी बातें कॉमन है। हाँ। क्या तुम ये सोच सकते हो? तुम लोग एक ही जगह घूमने जाते हो, एक ही रेस्टोरेंट में खाना खाते हो, यहाँ तक कि तुम दोनों एक ही वक्त जिम जाते हो जो कि 6 महीने से बंद है। तो क्या तुम्हें पता है लव बर्ड्स, तुम्हारी पोल खुल चुकी है। देख क्या रही हो, तुम्हारी खुशी के लिए मैंने सब कुछ किया था। शायद वो सब कुछ काफी नहीं था। तो तुम एहसान चुका रही हो मुझसे बेवफाई करके और मुझे आरोपी बना के। तुम दोनों एक ही तरह के हो। हनी, तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुम मेरे लिए सब कुछ हो, मैं तुम्हारे बिना जिंदा भी नहीं रह सकता। और ये पागल है, तुम्हें पता है। शांत हो जाओ, कम ऑन सैम। मुझे नहीं लगता है कि हम अपने भावनाओं के बारे में कुछ कर सकते हैं। वैसे मुझे लगता है हमें उनकी मदद करनी चाहिए। हाँ, सही कहा। क्या? सही कहा तुमने। गाड़ी से बाहर निकलो। क्या मतलब? हम जंगल के बीचों बीच हैं। बाहर निकलो अभी। पागल बददिमाग इंसान, सटिया गए हैं पूरा। देखो बेबी, हम जंगल के बीचों बीच हैं, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? ये तुम्हारे सफर का अंत है हानी। और हाँ, वैसे ये रहे तुम्हारे 20,000। ये तुम्हें मुझसे मिलने वाले आखिरी पैसे हैं। इस हफ्ते के अंत तक हमारे वकील इस शादी को खारिज कर देंगे और सैम के भी। तो अपनी नई जिंदगी का आनंद लो। हैप्पी हनीमून दोस्तों। कम ऑन, तुम हमें यहाँ नहीं छोड़ सकती, हम यहाँ क्या करेंगे? हनी, जब तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम कहीं से भी रास्ते निकाल सकते हो। तुम्हारी गलती है।